सूरत में घणा समय थी ड्रग्स नु दूषण जोवा मळी रह्युं छे, तो सूरत पोलीस द्वारा अदूषण ने दूर करवा माटे अनेक प्रयत्नों करी रही छे। त्यारे सूरत में हवे अनेक सामाजिक संस्थाओं पण ड्रग्स ना दूषण ने दूर करवा माटे मैदान आवी। सूरत ना मोटा वराछा खाते ड्रग्स नु दूषण दूर करवा माटे सुदामा चेरिटेबल ट्रस्ट अने जय जवान नागरिक समिति द्वारा वॉकथॉन नु आयोजन कर्युं हतुं। शिक्षण मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया सहित अनेक महानुभवो उपस्थित रह्या हता, तो मोटी संख्या में विद्यार्थी अने वालीओ पण वॉकथॉन में जोड़ाया हता। नमस्कार, आज सवारे मोटा वराछा रामचौक थी वीआईपी चौक सुधी व्यसन जागृति अने ड्रग्स ना विरोध में जागृति लावा माटे एक ओकोथोन नु आयोजन थयु हतु। जय जवान नागरिक समिति प्रेरित अने सुदामा चेरिटेबल ट्रस्ट ना युवानोए खूब सरस आयोजन करीने जन समाज ने एक संदेश आपवा माटेनो नम्र प्रयास कर्यो छे। खरेखर ड्रग्स नु दूषण हवे वधी रह्यु छे, युवाधन बर्बाद थई रह्यु छे, परिवारो बर्बाद थई रह्या छे, त्यारे आ जागृति खूब जरूर हती अने मोटी संख्या में युवानो कार्यकर्ताओ स्कूलना बाळको आ वॉकथॉन में जोड़ाया। चालता चालता जन समाज ने दिल थी एक मैसेज आप्यो छे के बहु थयु, हवे ड्रग्स ने दूर राखीए, ड्रग्स ने दूर करवा माटे नी जागृति फैलावीए एवा संदेश साथे आजे सूरत शहरना मोटा वराछा विस्तारना एक खूब सारा विस्तार में आ लोको चालता चालता आ जागृतिनु काम बहु भव्य कर रह्या छे, त्यारे तमाम कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन आपीए छे अने आखा समग्र सूरत शहर अने जन समाज ने बे हाथ जोड़ीने प्रार्थना करीए छे के चालो आ जागृति लावीए, ड्रग्स ने ना पाड़िए, व्यसन थी दूर राखीए, एना माटे आपणे जन जन सुधी आ जागृति पहोंचाड़िए। थैंक यू। रौनक गेलाणी, सूरत। जय जवान नागरिक समिति प्रेरित सुदामा चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज रोज रविवार रोज सवारे 5 कलाके थी अमे एक सरस मजा ड्रग्स बाबते वॉकथॉन नु आयोजन कर्यु हतु, जेमा शाळाना 9 થી 12ના विद्यार्थीओ आसपास सोसायटीना प्रमुखश्रीओ सामाजिक आगेवानो अने राजकीय आगेवानोने अमे आमंत्रण आप्युं हतुं। ते उत्साहभेर आ ड्रग्स नाबूदी अभियानमां जोड़ाया छे अने आजे वरसता वरसादमां पण आ एक जे व्यसन के जे घर बर्बाद करी नाखे छे तेनी माटे ખભે ખભો મિલાવીને સૌ લોકો વહેલી સવારે વરસતા વરસાદમાં પણ 5 વાગ્યાથી આ વોકાથોનમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે, તે જ અમારો ઉત્સાહ છે। આ એક રાષ્ટ્રના હિતનું કામ છે, જે વ્યસન છે, ડ્રગ્સનું જે વ્યસન છે તે ઘર પરિવાર અને સમાજને પણ એક દુષ્ટ ફેલાવે છે અને પરિવાર બરબાદ કરી નાખે છે। તો આપ સૌને પણ અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે પોતાના વિસ્તારમાં આપ સૌ આજુબાજુના વિસ્તારમાં જો કોઈ પણ જગ્યાએ ડ્રગ્સની હેરાફેરી થતી હોય, ડ્રગ્સ વેચાતું હોય, કોઈ વ્યસન કરતું હોય, તો તમારા આજુબાજુ રહેલા રાજકીય સામાજિક અને પોલીસ અધિકારીનો કોન્ટેક કરો, જેથી કરીને વહેલી તકે આ ડ્રગ્સનું નાબૂદી કરી શકાય અને પરિવાર બચાવી શકાય। બ્યુરો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, સુરત।